फैक्ट अबाउट विच आई वॉन्ट टू स्ट्रेस अपॉन इज देंज ऑफ बेसिस क्या है सपोज मान लो ए कैप एंड बी कैप आर टू इनकम्पैटेबल ऑपरेटर्स अगर दो ऑपरेटर इनकम है मतलब ए कॉमर बी का जो कम्प्यूटर होगा वो नॉट इक्वल्स टू जीरो है नॉट इक्वल्स टू जीरो है मतलब ए का जो आइगन वैक्टर्स होंगे और बी के जो आइगन वैक्टर्स होंगे उनमें कोई कॉमन सेट ऑफ कम्प्लीट आइगन वैक्टर्स नहीं मिलेंगे अब मान लो आइगन वेक्टर्स ऑफ ए कैप आर से फाइ एन ठीक है आइगन वेक्टर्स ऑफ ए कैप से व्हाट? फाइ एन अगर आइगन वेक्टर्स ऑफ ए कैप फाइ एन है तो मैं क्या लिख सकता हूं आई नो दैट इट विल मेक अ कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ द स्टेट स्पेस तो फाइ एन फाइ एन इजिक्वल्स टू वन

For B, I'm getting phi n dashed be the eigenvectors and they will also form a complete set of orthonormal basis in the state space. And that's why they also need to satisfy the closure property. That is, phi n dashed. What's wrong with this now? Jo kya hoga batao? Jo ki mera hoga. Phi n dashed. Phi n dashed. टू वन ये चीज मेरा है अब मेरा क्वेश्चन यह है कि मैं इस बेसिस से ट्रांसफॉर्म करके इस बेसिस पे जाना चाहता हूं एक बेसिस है मेरे पास फाइ एन और एक बेसिस है मेरे पास ये एक सेट है यह एक सेट रिप्रेजेंटेशन है इट दिस सेट मीन्स फाई वन फाई टू फाई थ्री लाइक like दैट ये इसका रिप्रेजेंटेशन है जिसको मैंने कॉम्पैक्टली ऐसे वे में रिप्रेजेंट करा है फाइव के वे में रिप्रेजेंट करा है सिमिलरली यू कैन सेव फाई एन डैश अब मुझे अगर इस बेसिस से इस बेसिस में जाना है मैं कैसे जाऊंगा अगर मुझे इस बेसिस से इस बेसिस में जाना है इस बेसिस से इस बेसिस में जाना है का मतलब जो भी मेरा ऑपरेटर्स है जो भी मेरा ऑपरेटर्स होगा एक ऐप मान लो एक ऑपरेटर है कुछ भी एक ऑपरेटर है मान लो एंगोमोमेंटम ऑपरेटर है एल मान लो एंगोमोमेंटम ऑपरेटर है एल एल कैप को मैं इस बेसिस पे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ को कोई दिक्कत नहीं होगा सब कुछ सही रहेगा बट द फैक्ट इज अगर मुझे इस बेसिस में इसका फॉर्मुलेशन दिया गया है कैसे मैं दूसरे बेसिस में लिखूंगा तो वो बेसिस ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है तो हम सीखेंगे कि बेसिस में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है ठीक है अच्छा चलो अब मान लो कि मेरे पास एक यूनिटरी ऑपरेटर को मैंने डिफाइन किया है यू ये एक यूनिटरी ऑपरेटर है इसका मतलब क्या है यूनिटरी ऑपरेटर बेटा इसका मतलब क्या है यू डागर यू इज इक्वल्स टू यू यू डागर ऑफकोर्स कैप देना इज इक्वल्स टू आई कैप आई कैप मतलब आइडेंटिटी ऑपरेटर होना चाहिए दैट इज द डेफिनेशन फॉर u ठीक है अब अगर तुम मान लो अगर तुम मान लो कि मैंने u को डिफाइन किया है एंड कैसे डिफाइन करा है u को मैंने कैसे डिफाइन करा है u कैप को मैंने ऐसे डिफाइन करा है अगर u कैप को मैंने ऐसे डिफाइन करा है और मेरे पास ये स्टेट दिया हुआ है ये जो सेट जो है ऑफ द आइगन वेक्टर्स वैक्टर्स ऑफ ए कैप ये मुझे दिया गया है और मुझे बोला गया है तुम इस सेट से इस सेट में इसको ट्रांसफॉर्म करो इस सेट से इस सेट में इसको ट्रांसफॉर्म करो तो मुश्किल मुझे, मुझे क्या करना पड़ेगा ऐसा एक यूनिटरी ऑपरेटर को गेस करना पड़ेगा लुक्स लाइक दैट अगर मैं ऐसा मानता हूं कि ये एक यूनिट्री ऑपरेटर है मैं प्रूव करूंगा वेदर इट इज एनिट्री ऑपरेटर नॉट अगर मैं मानता हूँ कि ये एक ऑपरेटर है एंड इफ दिस ऑपरेट्स ऑन से एनी आर्बिचरी आइगेन वैक्टर ऑफ ए एन से दैट इज फाइ एन तो वो मुझे क्या देगा इट आउट यू कै ऑपरेटिंग ऑन फाइन गल थिंग ऑपरेटिंग ऑन फाइन ओके अच्छा इसको मैं एम भी लिख सकता था ठीक है एम लिखोगे तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगा वरना सेम साइन में ना या आई कैन राइट इट लाइक दिस सो अगर ये एम है ये एन है सो इट विल गिव मी वॉट हम ओवर एम फाई एम डैस्ट ओके यू आर गेटिंग फाइव एम फाइव एम क्या मिल रहा है बताओ फाई एम फाई एम एंड दिस इज अ नीना प्रोडक्ट

अगर मैं यू कैप को फाइ एन के ऊपर ऑपरेट कराया तो मुझे क्या मिला फाइव डेस्ट मिला तो इसका मतलब मैंने प्रूफ कर दिया कि अगर मैं यू कैप को ऑपरेट कराता हूं इफ आई ऑपरेट यू कैप ऑन आई गेट फाइव इफ आई ऑपरेट यू कैप ऑन फाइ एन अल गेट फाइव डैस्ट इफ आई ऑपरेट यू कैप ऑन फाइ एन आल गेट फाइव डैस्ट वेरी गुड अब मुझे प्रूफ करना है कि यू कैप इज यूनिटरी ऑपरेटर क्या से प्रूफ करूं बताओ अगर मुझे अभी प्रूफ करना है कि यू कैप इज यूनिटरी ऑपरेटर हाउले प्रूव इट लेट टेक इट यू डागर यू क्या आता है बताओ यू डागर यू क्या आ गया बताओ यू डागर को कैसे लिखू सामोवर ऑफ कैसे प्रूव करूं बताओ एक एम में लिखना है और एक एन में लिखना है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो सो एम फाई एम डैश फाई एम ओके नहीं इट हैज टू बी एन ऑपरेट एक ऑपरेटर होना चाहिए तो फाइव एम दिस राइट इट है डैस्ट ये हो गया और मैं लिख सकता हूं अच्छा एक सेकेंड हाँ ऐसे डिफाइन किया था ना मैंने ये डैगर है लोग प्लास ना समझ ले इसको ये एक डैगर है ठीक है डैगर मतलब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ये एक डागर है कैसे डिफाइन किया था यू को बताओ कैसे किया था फाइव डैश अच्छा देखो फाइव डैश फाइव तो फाइव डैश फाइव और यहां पे क्या होगा ओवर ऑफ एन फाइव फाइव ये है मेरा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं हाँ सर चलो अब आ जाओ दिस इज एम ये क्या होगा बताओ तो ये क्या होगा बताओ तो बताओ इसको कैसे लिख सकते हैं इसका अगर मैं डैगर करूंगा फाइव डैस्ट फाइव एम का फाइव एम डैस्ट फाइव एम का अगर मैं डैगर करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे ये वाला ब्रा है तो ए बी डागर यू सी डागर इज इक्वल्स टू बी डागर ए डागर है ना भाई ए बी का होल्ड डागर करूंगा तो बी डागर ए डागर मिल जाएगा तो ठीक है वैसे ही करते हैं यहां पे, इसका होल्ड डागर करूंगा तो फाइव एम का डागर, देन फाइव एम डैश का डागर, चलो फिर क्या है ये है ये तो जैसा है वैसे लिखना है इसको एन फाई एन डैश फाइ एन ठीक है अब बताओ क्या आ आ रहा रहा है है क्या रहे? इसका मैंने ये कर दिया तो ये ब्रा है डैगर लूंगा तो केट बन जाएगा तो दिस विल बिकम एम ये केट बन गया तो फाई एम लो केट हो गया ये केट है डैगर लूंगा तो ब्रा हो जाएगा सो फाई एम डैस्ट अब यहां पे क्या है बताओ ये मेरा एक है और यहां पे क्या है सामोवर ऑफ एन जैसा पहले था चलो ये दो चीज मेरे पास है अब इनमें सिर्फ प्रोडक्ट करवाना है और कुछ नहीं बाकी चीज तो सब हो गया सिर्फ इनमें क्या करवाना है मुझे प्रोडक्ट करवाना है ओके इनमें मुझे क्या करवाना है प्रोडक्ट करवाना है चलो करवाते हैं यहां पे एक लाइन लिख देता हूं इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ फाई एम को इधर लिखो एम को इधर लिखो जैसा था फाई एम वेरी गुड ये टर्म अच्छा एक सेकेंड मैं इस समीशन को बाहर लेके आ सकता हूँ हाँ सर समीशन को मैं बाहर लेके आ सकता हूं दैट इज एन फिर फाइव एम लिख दिया जैसा था फिर ये फाइव डैस्ट फाइव डैस्ट फाइ एम डैस्ट फाइव एन डैश इसको एज एन इनर प्रोडक्ट ये तो इनर प्रोडक्ट बन गया फिर फाइव एन लाइक दिस फाइ एन लाइक दिस ठीक है फाइव लाइक दिस ओके अब यहां पे देखो ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये एक इनर प्रोडक्ट है ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये एक इनर प्रोडक्ट है अब मुझे बताओ कि यह इनर प्रोडक्ट कब सर्वाइव करेगा सपोज टेकिंग द ओवर तो N क्या हो रहा है? 1, 2, तक जा रहा है या जितना भी स्टेट स्पेस का तुम्हारा डायमेंशन वहां तक जाएगा तो कब सर्वाइव करेगा जब एन इक्वल्स टू एम होगा जब एन इक्वल्स टू एम होगा तब सर्वाइव करेगा जब एन इक्वल्स टू एम होगा तब सर्वाइव करेगा बाकी ऑल टर्म्स के लिए जीरो बाकी ऑल टर्म्स के लिए जीरो तो यहाँ पे मैंने एम लिख दिया ये अभी भी मैं एन को लेके चल रहा हूं ये क्या है फाई एम है फाई एम है वो क्या आएगा डेल्टा क्या डेल्टा एम एन आ जाएगा और फिर क्या है मेरे पास फाई एन है फाई एन है।, है चलो अब देखो ये डेल्टा एन इज इक्वल्स टू वन ओनली फॉर एम इक्स टू एन जब मैं एन के लिए समेशन कर रहा हूं मान लो ना चीज ऐसा है अब पूरा समेशन कर रहा हूं ये समेशन बाद में करूंगा पहले ये समेशन करता हूं तो जब एन इक्वल्स टू एम होगा तभी मेरा ये सर्वाइव करेगा बाकी ऑल टर्म्स के लिए जीरो है तो क्या आएगा एम ये आ जाएगा फाइव ये एम क्या हो जाएगा एन इक्वल्स टू एम एम तो एम तो रहेगा अब डेल्टा एन इक्वल्स टू एम तो एम एम हो जाएगा और ये एन है तो ये फाइव एम बन जाएगा देखो डेल्टा एम एम इज वन सो फाइ एम काम ओवर एम एम क्या है बोलो 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 या एन जो भी बोलो, ये क्या है आइगेन वेक्टर्स ऑफ द ऑपरेटर्स कैप देखो यहां पे मैंने लिखा है आइगन वेक्टर ऑफ द ऑपरेटर ए को एन से और बी कैप के आइगेन एन डैश से रिप्रेजेंट किया है ये ए कैप के अगेन वैक्टर्स हैं और ये अगर ए कैप के अगेन तो कंडीशन है जो कि मैंने यहां पे लिखा था देखो ये है आइडेंटिटी ऑपरेटर ठीक है ये आई होना चाहिए तो यहाँ पे ये मेरा क्या आ जाएगा बताओ आई आ जाएगा अगर ये आई है तो यहाँ पे मैंने प्रूफ कर दिया कि यू डागर यू इज इक्वल्स टू आई देर फॉर यू डागर यू is equals to y. Similarly, you can prove it is equals to u u dagger. मैंने इसके लिए प्रूफ कर दिया तुम यू यू डागर को लेना खुद से प्रूफ कर लेना कि वो भी सेम ही आएगा ठीक है वो भी सेम आएगा ओके okay देन तो अगर तुम्हें जाना है तो दो चीज मैं यहां पे लिख देना चाहता हूं एक तो मान लो कि अगर तुम्हें ऐसा करना है pi पाइन डैश पे जाना है तो तुम क्या करोगे सीधा U को उठाओगे ऑपरेट करोगे किसके ऊपर फाइव एन के ऊपर ऑपरेट करूंगा सर वेरी गुड बट अगर उल्टा करना हो तो सर अगर फाइव एन पे जाना हो तो तो बेटा कुछ नहीं u कैप डागर को ऑपरेट करोगे किसके ऊपर phi एन डैश के ऊपर phi एन डैश के ऊपर तुम u कैप डागर को ऑपरेट सर कैसे मिला बोथ साइड U डागर मल्टीप्लाई कर दो देखो तो क्या आ रहा है इससे इससे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करो करो तो ये phi n मिल जाएगा और यहां पे ऑपरेटिंग फॉर्मूला so तो अच्छा हो गया जो कि तुम्हें हेल्प करेगा टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द बेसिस अच्छा अगर मान लो कि कोई तुम्हें मैट्रिक्स को, कोई तुम्हें मैट्रिक्स को मान लो स्टेट वेक्टर को वो करना है कोई एक आर्बिट्री स्टेट वेक्टर है इन द न्यू बेसिस को करना है तो तुम कैसे करोगे यू डागर ऑपरेटिंग ऑन साई इन बेसिस ऐसे कर सकते हो ठीक है और अगर कोई मैट्रिक्स को करना है तो कैसे करोगे बेटा अगर कोई मैट्रिक्स को करना है तो कैसे करोगे बेटा मान लो कोई ऑपरेटर को करना है द ऑपरेटर इन द न्यू बेसिस एक्स डैश इज इक्वल्स टू यू डैगर एक्स कैप यू अगर कोई ऑपरेटर को करना है तो उसका ऐसे करूंगा अगर कोई ऑपरेटर को करना है तो उसको ऐसे में डिफाइन करूंगा दिस इज फॉर अ स्टेट दिस इज फॉर अ दिस फॉर एन ऑपरेटर और फॉर अ मैट्रिक्स वो कॉल इट ठीक है कुछ बुक में आपको शायद यू और यू यौ डागर में कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि अगर आप जेटली देख रहे हो तो उसमें कुछ अलग ही कन्वेंशन है उसमें आपको लगे कि सर जो पढ़ा रहे हैं उसके साथ जेटली का बुक तो कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है बट ये नहीं मेरा जो बेसिकली मैंने जिस बुक को फॉलो करा था बाय लर्निंग दिस चैप्टर दैट वॉज जे जे साकुराई तो ये जो कन्वेंशन है दैट इज फ्रॉम जे जे साकुराई एंड दैट इज वाई वो कन्वेंशन को मैंने फॉलो करा है तो बस कुछ नहीं दोनों ही बुक्स में सही है बट जेटली की बुक में क्या है कि वहां पे उन लोगों ने कन्वेंशन को उल्टा माना है ये जो ऑपरेटर uh, है इसको उन लोगों ने नाम इसको नहीं कहा गया इसको जो ऑपरेटर है इनको उन्होंने नाम दे दिया यू डागर तो इसका कॉम्प्लेक्स कौन को यू बोलना पड़ेगा बट दैट्स वे बट दिस इज नॉट अ गुड वे टू डू दैट बट मुझे साकू का मच मोर प्रोमिनेंट लगा तो मैंने उसको फॉलो किया Thank you for today's class. I think this will be sufficient for your jam preparation. Thank you. Thank you very much. Happy learning.